हेलो दोस्तों, इस इलेक्ट्रिक केटली का पावर ऑन नहीं हो रहे हैं। आज मैं इस इलेक्ट्रिक केटली का वीडियो आपके सामने लेकर आया हूँ। इसे रिपेयर करके आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। ये एसी केबल इस केटली का बेस प्लेट में जाते हैं। यह है इसका बेस प्लेट। इस बेस प्लेट के अंदर देखिए, एसी न्यूट्रल और फेस के लिए दो पिन दिए हुए हैं। इसी दो पिन से इलेक्ट्रिक केटली को सप्लाई दिए जाते हैं। पहले चेक करना है इस बेस प्लेट में एसी सप्लाई आ रहा है कि नहीं। मैंने इस बेस प्लेट को सप्लाई दे दिए हैं। देखिए 230 वोल्ट एसी दिखा रहा है। और ये है स्विच। ये एक थर्मोस्टेट स्विच है। ये स्विच हीट के हिसाब से काट होती है। और ये है 13 एम्पियर डब्ल्यू सॉकेट। ये थर्मोस्टेट कंट्रोल सॉकेट है। ये जो दो राउंड प्लेट देख रहे हैं, इसी से केटल में कनेक्शन जाते हैं। और टेम्परेचर के हिसाब से केटली को ऑन ऑफ करते हैं वो थर्मोस्टर। ये जो डब्ल्यू सॉकेट है ना, इसमें से भी बहुत प्रॉब्लम आती है। मैंने इस केटली को बेस प्लेट में बिठा दिए हैं। आप सप्लाई दे के देखते हैं। ये देखिए, मैंने इसमें सप्लाई दे दिए हैं। आप देखते हैं, यह है स्विच ऑन ऑफ। यहाँ पर एक रेड इंडिकेटर है, वो जल नहीं रहा है, मतलब इसमें पावर नहीं आ रहे हैं। ये जब चालू होगा तो इसमें रेड लाइट जलेगा। आप देख पा रहे हैं, लाइट नहीं जल रहे हैं। ये डब्ल्यू सॉकेट में दो राउंड प्लेट देख रहे हैं। इसी दो प्लेट का कंटिन्यूटी चेक करना है। ये देखिए, इसका कोई कांटेक्ट या कॉन्टिन्यूटी नहीं दिखा रहा है। इसे तो मैंने बाहर से चेक कर लिए है। इसका अगर अंदर में कोई प्रॉब्लम हो तो बाद में देखना है। पहले मैं इसका स्विच को देख लूँ, स्विच ठीक है कि नहीं। इसके लिए मुझे इसका हैंडल को खोलना पड़ेगा। दोस्तों, ऐसा प्रैक्टिकल वीडियो शायद आपको कहीं नहीं मिलेगा। मेरे चैनल के लिए एक लाइक कर देना। और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल के टाइटल बार के नीचे आपको एक सब्सक्राइब बटन मिलेगा, उसे ज़रूर प्रेस करना। और बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट करना। आगे मेरा जितना भी वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। दोस्तों, मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मोर ऑप्शन दिखाई देगा। मोर ऑप्शन को क्लिक करना और उसके नीचे जाकर आपको वीडियो ऑप्शन मिलेगा। उसे क्लिक करते ही बहुत सारे चीज़ों के ऊपर बहुत सारे वीडियो आपको मिलेगा, देखना काम आएगा। और डिस्क्रिप्शन में मेरे चैनल का लिंक दिया हुआ है, उस लिंक को अपने मैकेनिक्स दोस्तों में शेयर करना, उसे भी काम आएगा। मैंने अब इस स्विच को खोल लिए हैं। यहाँ पे दो प्लेट देख पा रहे हैं। इसी दो प्लेट कनेक्ट होते हैं। टेम्परेचर के हिसाब से ये दो प्लेट ऑन ऑफ होते हैं। ये थर्मोस्टेट सिस्टम है।
यहाँ पे ज़्यादा फ्लैशिंग हुआ है, इसलिए इस दो प्लेट का गैप ज़्यादा हो गया, इसलिए कनेक्ट हो नहीं पा रहे थे। अब मैं इसे उंगलियों से दबाकर चेक कर रहा हूँ, इसका कनेक्ट हो रहा है कि नहीं और छोड़ रहा है कि नहीं। मीटर के तरफ देखिए, थोड़ा ज़्यादा लाइट होने के कारण अच्छी तरह से दिखाई नहीं दिया, लेकिन ये स्विच अभी ठीक है। इसे अच्छा तरह से सेट करना है, वरना ये ठीक तरह से काम नहीं करेगा। मेरा ये स्विच सेटिंग हो चुके हैं। अब मैं इस केटली को बेस प्लेट में बिठाकर इसे सप्लाई देके देखूंगा। मैंने इसे सप्लाई दे दिए हैं, ये देखिए ऑन ऑफ हो रहे हैं। मुझे अब इसमें थोड़ा पानी देना होगा, नहीं तो वो हीटर कॉइल काट जाएगा। ये देखिए इसका रेड लाइट जल रहे हैं। इससे पहले सेट कर लेती हूँ, उसके बाद देखना है पानी क्या रंग लाती है। ये जो स्विच होते हैं प्लास्टिक के होते हैं, इसके अंदर जब दोनों प्लेटों में फ्लैशिंग होती है तब तो वे प्लास्टिक गलने लगते हैं, इसके कारण ज़्यादातर ये ख़राब हो जाते हैं। दोस्तों स्विच को एकदम फ्रीली बिठाना चाहिए, देखना है एकदम फ्री हो रहा है कि नहीं। अब मैं इसे फाइनली चेक करूंगा पानी उबल रहा है कि नहीं। इस पानी को थोड़ा टाइम देना होगा उबलने के लिए, क्योंकि ये तो पानी है। आप लोग पानी का भाप देख पा रहे हैं। दीप मल्टी टेक के तरफ से सभी भाई और दोस्तों को ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलेंगे मेरे नेक्स्ट वीडियो में।